नेशन नाउ में आपका स्वागत है, मैं हूं कविता कृष्णन। यूपी पुलिस एक बार फिर खटगरे में है। आरोप है कि अमरोहा में चोरी के एक आरोपी पर पुलिस ने थर्ड डिग्री लगाई और इस वजह से उसकी मौत हो गई, पर ऐसा उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं हुआ है। करीब एक महीने पहले की बात है कि आगरा में पूरे के पूरे थाने को कस्टडी में हुई मौत के लिए बुक किया गया था। पहले नकली एनकाउंटर्स का आरोप, फिर कुछ वारदातों में नकली गिरफ्तारी और फर्जी एफआईआर की खबर, और अब पुलिस कस्टडी में आरोपियों की मौत। जिस राज्य की पुलिस खुद ही ऐसे संगीन इल्जामों से घिरी हो, उससे राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी देना मजाक से कम नहीं। यूपी पुलिस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए क्या करना होगा, ये सवाल पूछेंगे हम अपने पैनल से, लेकिन पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। ये भीड़ नाराज है यूपी के पुलिस वालों से, ये गुस्सा है पुलिस की कस्टडी में हुई एक और मौत पर, ये अपील है न्याय के लिए। यूपी पुलिस को आईना दिखाती ये तस्वीरें हैं अमरोहा की। यहाँ के धनोरा थाने में तैनात पुलिस वालों पर आरोप है एक शख्स की हत्या का। चोरी के आरोप में धरे गए बाल किशन को पुलिस वालों ने कथित तौर पर थर्ड डिग्री दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। युवक को संदिग्ध पाए जाने पर गाड़ी के साथ थाने पर लाकर पूछताछ की जा रही थी। आज सुबह उसकी तबीयत खराब हो गई ही, जिसमें कि पुलिस ने तत्काल उसको CHC ले गए, वहां से उसको जिला अस्पताल के लिए इलाज हेतु रेफर किया गया। हमने पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्यवाही कर रहे हैं और इसमें इंक्वायरी भी सेटअप की गई है डिपार्टमेंट की ओर से, और इसमें जो भी तहरीर होगी परिजनों की उनके अनुसार कार्यवाही की जाएगी आगे। यही नहीं, बाल किशन के परिजनों ने पुलिस वालों पर रिहाई के बदले जबरन वसूली करने का भी आरोप लगाया है। अब उसके बाद में ये हवालात में बंद कर लिए, तीन दिन हो गए, हमसे पैसा मांगते रहे, 5 लाख रुपए, 2-5 लाख, तो हमने 2 लाख जमा कर दिए, 1 लाख हम सुबह लाए खाए। कोई आपराधिक इतिहास में कोई मुकदमा दर्ज है इनके ऊपर? नहीं है, कुछ नहीं, कोई मुकदमा कुछ नहीं है, ना चालान करा ना कुछ करा इनका, अब रात इनके बटे मारी, जो भी कुछ करा इन्होंने खत्म कर दिया। मुख्यमंत्री जी के रात में ऐसा ही होगा, ऐसे थाने में मार दिया जाए किसी को भी अनजान आदमी को, बताइए ये बात कोई अच्छी है आपकी? हमारे बच्चे को बताओ कैसे इन्होंने वो करा, क्या मानने की इनकी हिम्मत पड़ी हमारे बच्चों को बताओ। मामले के तूल पकड़ने पर 6 आरोपी पुलिस वालों को गिरफ्तार तो कर लिया गया, पर बड़ा सवाल ये है कि यूपी पुलिस को कानून तोड़ने की खुली छूट क्यों मिली हुई है? क्या पूरे यूपी पुलिस महकमे के ओवरहॉल की जरूरत नहीं है? चर्चे पर लौटेंगे, लेकिन देख लेते हैं कि लोकसभा में क्या हो रहा है। इसके लिए तो जेंडर इक्वालिटी के फेवर में हमेशा बात करते आए और मदद की है, लेकिन बाकी धर्मों में वो चाहे वो हिंदू हो, पारसी हो, ईसाई हो, ये कानून नहीं है जो पति को तलाक देने पर मुजरिम घोषित कर देता है। हिंदू मैरिज एक्ट, डाइवोर्स एक्ट 1869, मैं तो ज्यादा वक्त नहीं ले रहा, और क्लास 7A में 3 तलाक का जुर्म अभी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और 7B में ये कंपाउंडेबल ऑफेंस भी है। मौजूदा कई कानून है जो महिला सशक्तिकरण करते हैं, सेक्शन 125 CRPC की धारा 125 के तहत महिला खुद के लिए और अपने बच्चों के गुजार के लिए भत्ता मांग सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस की धारा 24 के उनमें संशोधन करने के भी महिलाओं को भला हो सकता है। तो इतने कानून, मैडम स्पीकर, इतने कानून हमारे पास है, और ये जो आर्टिकल 13, 14, 15 और 21, ये जो 25 इसका वायलेशन किया है और ये बिल उसके तहत नहीं है। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि आपसे सरकार को आप डायरेक्शन दीजिए,
ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कीजिए, 15 दिन में ये रिपोर्ट आने के लिए आप सरकार इस बात को नहीं मानती. No, this is not a clarification something. This is a demand. You have any clarification or something? Madam, yes? This morning itself, on behalf of party, it's okay. We requested the government to send this bill to refer. It's okay. Madam Speaker, मेरा कहना इतना ही है कि सभी लोगों का मत है कि ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को भेजना, चाहे वो एआईडीएमके हो, चाहे बीजेडी हो, टीएमसी हो, सीपीएम सीपीआई हो, मुस्लिम लीग हो, सभी. इस बात को अगर नहीं मानते हैं तो यहाँ पर बैठ के उनके भाषण सुनने के लिए नहीं आए, हमारी बात को मनवाने के लिए आए. अगर ये बात नहीं मानते हैं तो हम वॉकआउट करते हैं. Since the government did not pay heed to our demands, so we walk out in protest, madam. Thank you. The question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. Aap na to walk out. The motion is. The ayes have it. The motion for consideration of the bill is adopted. So, what for? डिवीजन कराइए, हम डिवीजन का मुतालबा कर रहे हैं. लॉबीज भी क्लियर, लेट द लॉबीज भी क्लियर. समय निकाल दिया था. जी, और यहाँ पर संसद में जबरदस्त बहस, जैसे आप देख सकते हैं ट्रिपल तलाक बिल पर विपक्ष के तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे. उनकी मांग थी कि जॉइंट सेलेक्ट कमेटी के पास जो है बिल को भेजा जाए, साथ में वॉकआउट की भी धमकी उन्होंने यहाँ पर दी हाउस में. तो वहीं स्पीकर ने जब वोट बिल को वोट के लिए रखा, तब कांग्रेस और एआईएडीएमके दोनों ही पार्टी के जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी सांसद हैं, उन्होंने वॉकआउट किया. वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन लौटेंगे संसद से और अपडेट्स लेकर. जो सीधे चलते हैं इस वक्त संसद में, जहां पर ट्रिपल तलाक बिल पर बहस हो रही है. और थोड़ी देर पहले हमने देखा कि यहां विपक्ष ने मांग रखी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग रखी थी कि जॉइंट सेलेक्ट कमेटी के पास बिल भेजा जाए. सरकार ने मांग का विरोध किया, उन्होंने मना किया. विपक्ष की तरफ से वॉकआउट की धमकी भी आई, उसके बावजूद जो है स्पीकर ने यहाँ पर बिल को वोट के लिए सामने रखा. और ठीक वोट से पहले जो है कांग्रेस और एआईएडीएमके के सांसद पार्लियामेंट से वॉकआउट करते नजर आए. अटेंशन ऑफ द ऑनरेबल मेंबर्स इज इनवाइटेड टू द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द ऑपरेशन ऑफ द ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डिंग सिस्टम. बिफोर अ डिवीजन स्टार्ट्स,
every honorable member should occupy his or her own seat and operate the system from the seat, from that seat only. When the honorable speaker says now division, the secretary general will activate the voting button, whereupon red bulbs above display boards on both sides of honorable speaker's chair will glow and a gong sound will be heard simultaneously. For voting, honorable members may please press the following two buttons simultaneously only after the sound of the gong. And I repeat, only after the sound of the gong. Red vote button in front of every honorable member on the headphone plate, and any one of the following buttons fixed on the top of desk of seat: eyes green color, nose red color, abstain yellow color. It is essential to keep both the buttons pressed till another gong is heard and the red bulbs above plasma display are off. Honorable members may please note that their votes will not be registered if buttons are kept pressed before the first gong, and two, both buttons are not kept simultaneously pressed till second gong. Honorable members can actually see their vote on display boards installed on either side of honorable speaker's chair. In case vote is not registered, they may call for voting through slips. Thank you. Now the question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. Now the division. आपको बता दें कि आपके स्क्रीन पर क्या हो रहा है, यहाँ ट्रिपल तलाक बिल पर वोट किया जा रहा है. आपको बता दें कि वोट के पहले जो है 238, नोज 12, मोशन फॉर कंसिडरेशन इज अडॉप्टेड. नाउ द हाउस विल now take clause by clause consideration of the bill. Premchandran ji to move amendment number 1. Moving. Yes, ma'am, I'm moving. You are moving? Moving. The question is that amendment number 1 moved by Sri N.K. Premchandran be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the notes have it. The amendment is negated. OVCG to make amendment number 9. You are moving? Half a minute. Moving? No, not to speak. Madam, half a minute. Madam, please, madam. It is their rule provision. Many deserted wife, an esteemed bhabhi of Gujarat wants to come and live in Delhi. Madam, please, I move this amendment, madam. Thank you.
The question is that amendment number 9 moved by Sri Asauddin Owaisi ji be adopted. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The amendment is negative. Okay. Lobbies are already cleared. Lobbies are already cleared. Please. The question is that amendment number 9, moved by Sri Asauddin Owaisi ji, be adopted. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. Now the division. ये भी पढ़ना है, इसको भी पढ़िएगा, पिछली बार नहीं। इनकी इनकी बेटी की शादी है संडे को। शादी का काम तो भी करना होता है। जी, और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं वोटिंग हो रहा है ट्रिपल तलाक बिल पर। सबसे पहले मोशन पारित करने के लिए वोटिंग किया गया, उसके बाद जो है क्लॉज वाइज यानी हर एक क्लॉज पर यहाँ पर वोट के लिए मांग रखी जाएगी। आपको बता दें कि वोटिंग शुरू होने से ठीक पहले जो है कांग्रेस और एआईएडीएमके के जो सांसद है उन्होंने वॉकआउट किया, वो संसद से निकल गए थे, उन्होंने वोट नहीं किया है ट्रिपल तलाक बिल पर। इससे पहले मल्लिकार्जुन खाड़गे जो कि विपक्ष के तरफ से बोल रहे थे, उन्होंने मांग रखी थी कि बिल को सिलेक्ट कमेटी तक फिर से भेजा जाए, लेकिन सरकार ने मना किया और वोटिंग जो है शुरू हो गया है ट्रिपल तलाक बिल पर। सब्जेक्ट टू करेक्शन आईज 15 नोज 236 द अमेंडमेंट नंबर 9 टू क्लॉज 2 इज नेगेटिव। द क्वेश्चन इज दैट क्लॉज 2 डू स्टैंड पार्ट ऑफ द बिल। दोज इन फेवर में से आए, दोज अगेंस्ट में से नो। आई थिंक द आईज हैव इट, द आईज हैव इट, क्लॉज 2 स्टैंड्स पार्ट ऑफ द बिल। OBCG amendment number 10. Madam, I am moving the amendment, madam. The question is that amendment number 10 moved by Sri Asauddin OBCG be adopted. Those in favor may say aye. Yes. Those against may say no. I think the notes are with the notes are with the amendment is negative. Lobbies are already clear. So the question is that amendment number 10 moved by Asauddin Owaisi ji be adopted. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. No. Division. Now the division. Yes, yes. Aap itne utavle kyun, main bol to rahi hu. Subject to correction, the result of the division is ayes 9, noes 235, amendment number 10 to clause 3, negative. Now, Sri Adhirandan Chaudhary, he is not there.
The question is that clause 3 do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. Ayes have it. Clause 3 stand part of the bill. Premchandran ji, number 2 amendment. Moving. This is to remove the imprisonment for a term which may extend to 3 years. No? Make it as fine which may extend to 10,000 rupees. I am moving the amendment. Moving, yeah. The question is that amendment number 2 moved by Sri Premchandran ji be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the notes have it. The notes madam, please division. This is the strong opposition which we are making. Division. Yes, lobbies are already cleared. So the question is that amendment number 2 moved by Sri N.K. Premchandran be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. Now the division. आपका आइडिया ठीक है, आपका आइडिया ये घंटा बढ़ाया ना आपने हिसाब से, नहीं वो जेल के नहीं लाना चाहेंगे. Subject to correction, the result of the division is ayes 14, noes 243. Amendment number 2 to clause number 4 is negative. Now OVCG amendment number 11. The question is that amendment number 11 moved by Sri Asaduddin OVCG be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the notes have it. The notes have it. Yes, I know. Their lobbies are already cleared. The question is that amendment number 11 moved by Sri Asaduddin OVCG be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. The division. Subject to correction, the result of the division is ayes 13, noes 246. Amendment number 11 to clause 4 is negative. Adhir Ranjan Chaudhary is not there. Then, Bharaturari Mehtab ji, amendment number 16 and 18. Moving. Madam, I have to speak a few words because my amendment is a little different from others. Yes. We wanted the introduction of this bill, but we are against the penal provision that is incorporated in this bill. Yeah, yeah. And my amendment is what has been stated, and I should appreciate the government has diluted the previous bill which was there earlier. The points that I had raised in the last December, two or three points have been taken into consideration by the government, by the minister. And he has, I would say, significantly watered down the version of legislation that was passed in last December. यहाँ पर लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल पर वोटिंग जारी है. आपको बता दें कि सबसे पहले मोशन पर वोट मांगी गई, उसके बाद हर क्लॉज पर यहाँ पर वोट मांगी जाएगी.
पूरा ये हर क्लॉज पर डिस्कशन होने के बाद, वोटिंग होने के बाद ही जो है बिल पारित किया जाएगा। इसके बाद इस बिल को फिर राज्यसभा में भी वोट्स के लिए रखी जाएगी। आपको बता दें कि वोटिंग शुरू होने से पहले ही जो है कांग्रेस और एआईएडीएमके दोनों ही पार्टी के सांसदों ने वॉकआउट किया। उनकी मांग थी कि बिल को पहले सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, लेकिन सरकार ने उस मांग को खारिज कर दी, मना कर दिया, जिस वजह से जो है दोनों ही पार्टी के सांसद ने वोट नहीं किया, उन्होंने वॉकआउट किया। यहाँ पर लोकसभा से आपको लगातार इस बिल पर अपडेट्स हम लाते रहेंगे। वक्त है लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए मेरा नाव के साथ।